मधुपुर अनुमंडल के करौ प्रखंड के टेकरा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्घाटन सूबे के खेल पर्यटन मंत्री हफजल हसन, प्रखंड विकास पदाधिकारी हरि उराव, अंचलाधिकारी विनय पांडे, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि बलबीर राय, पंचायत मुखिया ने विधिवत दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही मंत्री ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास योजना की जानकारी से सभी को अवगत कराते हुए कहा कि अबुआ आवास योजना का लाभ पारदर्शिता के साथ लाभुकों को दे। कहा कि इस योजना का लाभ केवल आवास विहीन परिवारों जिनके पास पक्का मकान नहीं है उनको दिया जाएगा। इसके अलावा पीएम आवास, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना का लाभ जिन्हें नहीं मिला है उन्हें अबुआ आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। साथ ही योजना के तहत 3 कमरों का पक्का मकान और रसोई घर का निर्माण होगा, जिसके लिए प्रति आवास 2 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस दौरान परिसंपत्ति का वितरण किया गया, वहीं दिव्यांग लोगों के बीच व्हीलचेयर आदि का वितरण किया गया। सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही है, उसका 4th साल चल रहा है। 2 साल तो हम लोग कोरोना में हम लोग का टाइम लेफ्ट हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग फिर जब सामान्य जीवन हो गया तो हम लोग की सरकार ने सबसे पहले गरीब गुरबा का पेंशन योजना हो, धोती साड़ी योजना हो, कंबल योजना हो, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड बनाने के लिए पहली बार झारखंड बने हुए 23 साल हो गया। 2 साल पहले ये तीसरा चरण है हम लोग का। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम करके हम लोग आपके बीच आपके दुख दर्द को सुनने के लिए, समझने के लिए कैसे हम लोग हल कर सकते हैं, इसके लिए सारे पदाधिकारी आपके गांव में आए हुए हैं। अभी बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन धीरे धीरे ही उस परेशानी को दूर किया जा सकता है। अभी अबुआ आवास योजना जो हमारी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण योजना है, करीब 3 साल से केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास में 1 पैसा भी नहीं दे रहा था, बंद कर दिया। तब हमारी सरकार ने अपना राज्य का पैसा लगा करके अबुआ आवास योजना उन लोगों के लिए दिया गया है जिनका घर गिर गया है, चाहे हो गया है, विधवा है, विकलांग है, उनको मदद करने के लिए कि अबुआ आवास योजना को हम लोग लाए। और ये अभी जो हमको देखने को मिल रहा, सुनने को मिल रहा है कि हर पंचायत में करीब 600-700 अबुआ आवास का एप्लीकेशन आ रहा है। ये भी एक चैलेंजिंग है कि 600-700 में हमको 60-65 अबुआ आवास को चुनना है। इसके लिए जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी दोनों को ही ईमानदारी बरतना पड़ेगा, तब ये सक्सेस हो। ये नहीं कि हम अपना भतीजा को दे दें, वो चचा को दे दें, वो बेटा को दे दें, ये नहीं होना चाहिए। जिनको जरूरत है, क्योंकि
इस योजना का मॉनिटरिंग जिला से लेकर राज्य तक देखा जाएगा कि किसको मिला है किसको नहीं मिला, जेन्युइन आदमी को मिला है कि नहीं मिला। और बहुत सारी योजनाएं हैं, सारे स्टॉल लगे हुए हैं, और पदाधिकारियों को भी कहना है, कर्मचारियों को भी कहना है कि इसको आप खाना पूर्ति नहीं समझ सकते। जो भी एप्लीकेशन आए उसको आप अपना कर्तव्य समझ करके उसको निष्पादन करें।